कूल, लेकिन आया है वीवो के बॉक्स पैक में। जैसे पोको एक सब ब्रांड है शाओमी का, जैसे रियलमी सब ब्रांड है ओप्पो का, वैसे ही आईकू एक सब ब्रांड है वीवो का। और इस सब ब्रांड के गेम में पिछले साल दोस्तों आईकू ने निकाला था आईकू 3, एक फ्लैगशिप लेवल का स्मार्टफोन जिसे प्राइस रखा था लगभग 35,000 रुपए। एंड 35,000 रुपए में जो वो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा था वो किलर था। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम एंट्री थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं था, इस वजह से ये जो ब्रांड है बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स को नहीं बेच पाया। एंड फिर कुछ महीनों के बाद आज से 2 दिनों पहले दोस्तों ये स्मार्टफोन गई सिर्फ और सिर्फ 17,500 रुपए के सेल में, एंड मैंने इसे बाय कर लिया। ये जो वेरिएंट है 8GB रैम और 256GB वाला वेरिएंट है, जो कि मुझे मिला 19,000 रुपए में, जिसकी ओरिजिनल प्राइसिंग थी लगभग 37,000 से 38,000 रुपए। मतलब आधे दाम पे दोस्तों मैंने खरीदा है एक नया स्मार्टफोन जिसका नाम है आईकू 3। तो चलिए इस वीडियो में इसका चीर फार करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये स्मार्टफोन कैसा है। ओवरऑल दोस्तों आज सिर्फ अनबॉक्सिंग देखेंगे, कुछ दिनों के बाद मैं जब एक्सपीरियंस कर लूंगा तब मैं आपको इसका रिव्यू लेकर के आऊंगा। ये जो बॉक्स है देखने में मुझे काफी ज्यादा बेहतरीन लगा, सच बताओ दोस्तों काफी ज्यादा यूनिक बॉक्स लगा, क्योंकि सबसे पहले इसमें जो कटआउट्स किए गए हैं वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े कटआउट्स यहाँ पे किए गए हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो जैसे टॉप के ऊपर के हेड को हटाएंगे तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब यार ये एक जगह रहता ही नहीं ठीक से। तो अंदर में सबसे पहले यहाँ पे मिलता है ये स्मार्टफोन, एंड इस स्मार्टफोन को अगर हम लोग इस प्लास्टिक से बाहर निकालेंगे दोस्तों, वैसे ज़रूरी नहीं कि हर प्लास्टिक को मैं फाड़ चीड़ दूँ, तो इसे चलिए हम लोग स्लाइड करके बाहर निकालते हैं। तो इसका जो कलर है दोस्तों मुझे पोको X2 की याद दिलाता है, बहुत ही ज़्यादा पर्पल ब्लू जैसा कलर है, दिखने में खूबसूरत है। तो इस स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी के लिए दोस्तों इसे हम लोग साइड में रखते हैं और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो अंदर में हमें ये एक और बॉक्स मिलता है जिसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। लेकिन इसे हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर में हमें सबसे पहले एक USB केबल मिल जाता है, जो कि USB A टू USB C केबल है। एंड अगर आप इस USB C केबल को देखेंगे तो जो USB C का पोर्ट है दोस्तों वो थोड़ा सा कैप्सूल टाइप का रेड और वाइट दिया गया है, देखने में काफ़ी ज़्यादा कार्टूनिश फील हो रहा है, लेकिन इसका एक बेनिफिट है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो ये USB केबल को फिलहाल के लिए साइड में करते हैं। एंड उसके बाद हमें कुछ क्विक स्टार्ट गाइड मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे वारंटी के इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाते हैं, तो बुकलेट्स दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको मिलता है एक सिम ट्रे इजेक्टर टूल, वैसे ये सिम ट्रे इजेक्टर टूल कम लग रहा है और गिटार बजाने वाला टूल ज़्यादा लग रहा है। उसके बाद दोस्तों अंदर देखेंगे तो हमें एक चार्जर मिल जाता है, ये चार्जर काफी ज्यादा बड़ा चार्जर है दोस्तों, तो इस पे जो रेटेड वोल्टेज है वो है 11 volts 5 ampere का, मतलब 55 वॉट की ये चार्जर है। एंड ये चार्जर मेड इन चाइना है, तो पूरे बॉक्स के ऊपर मेड इन इंडिया, फ़ोन के ऊपर मेड इन इंडिया, लेकिन चार्जर के ऊपर मेड इन चाइना है। वैसे ये सभी ब्रांड्स करते हैं, जो भी चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, पता नहीं क्यों चार्जर वो लोग इंडिया में नहीं बनाते या फिर वायर वगैरह वो लोग इंडिया में नहीं बनाते, पता नहीं क्यों, चलो कोई नहीं। तो ये जो चार्जर है 55 वॉट की है, काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा दोस्तों, इसके बारे में भी देखेंगे बाद में। लेकिन एक और चीज़ है दोस्तों जो कि कोई और ब्रांड हमें नहीं देता और यहाँ पे आईकू हमें प्रोवाइड कर रहा है, एंड वो है एक दोस्तों ये ईयरफोन। सीरियसली दोस्तों आज 2021 में हमें ईयरफोन मिल रहा है दोस्तों किसी ब्रांड के साथ में, ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। वैसे ये स्मार्टफोन 2020 में लॉन्च हुई थी, लेकिन तब भी कोई भी ब्रांड हमें ईयरफोन नहीं देता था, एंड यहाँ पे भले ही कितनी भी चीप क्वालिटी के मुझे ये ईयरफोन लग रही है, बट एटलीस्ट ईयरफोन है। तो आजकल तो फ़ोन में ईयरफोन का जैक भी नहीं होता, तो ईयरफोन कहाँ से होगा। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि हमें इसके बॉक्स पैक में मिल रहा था। अब चलिए स्मार्टफोन को थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे पीछे के साइड में पूरा का पूरा ग्लास का बैक दिया गया, जो कि गोरिल्ला ग्लास 6 से प्रोटेक्टेड है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे ये ग्लास लग रहा है और काफ़ी स्मूथ है। वैसे फिंगरप्रिंट इस पर आएंगे, लेकिन ये मुझे सच में पोको X2 के कलर को याद दिलाता है। जो कैमराज है दोस्तों यहाँ पे चार कैमराज है, 48 megapixel का मेन कैमरा दोस्तों, और एक टेलीफोटो लेंस है जो कि 2x zoom वाला है, एक वाइड एंगल लेंस है दोस्तों 13 megapixel का और 2 megapixel का डेप्थ सेंसर। तो यहाँ पे इस प्राइस रेंज में मुझे दोस्तों टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी का मिला है, ये कमाल की बात है। उसके अलावा एक फ्लैश आपको मिल जाता है, आई थिंक ये सिंगल टोन फ्लैश है,
सिंगल एलईडी फ्लैश है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट यूज़ करने के बाद पता चलेगा। नीचे में आइको की ब्रांडिंग है, बहुत ही मिनिमल ब्रांडिंग है दोस्तों, रियलमी की तरह बेवकूफ़ी नहीं किया इन्होंने यहाँ पे डेयर टू लीव वगैरह लिख करके, तो ब्रांडिंग काफ़ी यहाँ पे सही है। जो फ्रंट है दोस्तों, वहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिला जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला है, और यह एक AMOLED स्क्रीन आपको दिया गया जो कि 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज नहीं मिलता है, इस वजह से काफ़ी सारे लोगों ने 30,000 के ऊपर इस स्मार्टफोन को नहीं बाय किया था। लेकिन दोस्तों, जब 20,000 के नीचे आपको ये स्मार्टफोन मिल रहा है तो सच में सोचने वाली बात नहीं है, 60 हर्ट्ज इज रियली रियली गुड फॉर दिस प्राइस। एंड एक छोटा सा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक कैमरा जो कि कॉर्नर में दिया गया है, तो वो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में आता है तो स्क्रीन पे मिलता है। राइट साइड में दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पे एक पावर बटन जो कि थोड़ा सा दोस्तों टेक्स्चर्ड है, तो उंगली में फील होता है कि भैया ये पावर बटन है। एंड उसके ऊपर एक वॉल्यूम बटन है, बाकी दोस्तों आप देखेंगे कि दोनों ही कॉर्नर में लाइंस बने हुए हैं, तो असल में दोस्तों ये गेमिंग ट्रिगर्स आपको दिया गया है। तो ये जो गेमिंग ट्रिगर्स है, आप इससे पबजी वगैरह में सेट करके टच करके इन बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो जी हाँ, बेसिकली ये गेमर्स के लिए फ़ोन लाई गई थी एंड ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगा, खास करके यार 20,000 के नीचे इस प्राइस पॉइंट पर कमाल है। लेफ्ट साइड में हमें एक AI का बटन भी मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ, तो आप इससे गूगल असिस्टेंट वगैरह खोलने का काम कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है लेफ्ट साइड में। अब नीचे के साइड में दोस्तों हम यहाँ पे सिम ट्रे भी मिलता है और इसमें दो सिम लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें कोई भी मेमोरी कार्ड नहीं लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैंने 256 GB वाला इसीलिए तो खरीदा है कि UFS 3.1 में 256 GB बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज दोस्तों 17,500 रुपये में 128 GB था 8 GB रैम के साथ में, एंड 1,500 रुपये एक्स्ट्रा देकर के 128 GB एक्स्ट्रा और मिल रहा है, तो यहाँ पे इससे बेहतरीन डील मुझे कोई और नहीं लगी, इसलिए मैंने ये वाला बाय कर लिया, क्योंकि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसे एज अ पर्सनल फोन यूज़ करूँ। उसके अलावा दोस्तों आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है, USB-C मिल जाता है दोस्तों, और एक स्पीकर यहाँ पे नीचे के साइड में मिल जाता है। ऊपर के साइड में एक 3.5 mm हेडफोन जैक है और एक नॉइज़ कैंसिलिंग माइक है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एंड सच बताऊँ दोस्तों, तो फ्रंट में भी Gorilla Glass 6, बैक में भी Gorilla Glass 6, एंड जो यहाँ पे पूरा का पूरा दोस्तों ये फ्रेम है वो मेटल का फ्रेम है दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे आप एंटीना लाइंस को देख सकते हो, तो काफ़ी सालों के बाद मुझे ऐसा फ़ोन दिखा है जो इस प्राइस रेंज में आपको मेटल का फ्रेम प्रोवाइड करे, गोरिल्ला ग्लास प्रोवाइड करे फ्रंट में भी बैक में भी। दिस इज़ ट्रूली ऑसम एक्सपीरियंस दोस्तों, पूरा का पूरा ये मेरे हाथों में प्रीमियमनेस दे रहा है, इतना अच्छा ये लग रहा है। अगर 35,000 में बाई किया रहता तो इतना कुछ नहीं बोलता, आई नो। लेकिन दोस्तों, ये फ़ोन आखिर इतना सस्ता में मुझे क्यों मिला? क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि इनकी स्टॉक जब ज़्यादा नहीं बिकी, इस वजह से इन्होंने इस फ़ोन को सस्ते में इसके स्टॉक को निकालना शुरू कर दिया। इस वजह से अगर आप इसके बॉक्स पैक के पीछे देखेंगे तो जो ये बना है, ये नवंबर 2020 का मॉडल है दोस्तों, लगभग 7 महीने पुराना ये मॉडल है जो कि इन्होंने मुझे भेजा है। तो जब ये मेरे पास आया तो इसकी चार्ज पूरी तरह से ख़त्म थी दोस्तों, बिल्कुल भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैंने इसे चार्ज में लगाया तो 10 मिनट तक इस डिवाइस ने कोई भी रिएक्ट भी नहीं किया, लेकिन 10 मिनट के बाद दोस्तों ये चार्ज होने स्टार्ट हो गया, एंड फिर 1 घंटे के बाद ये फुल चार्ज 100% तक हो गया। उसके बाद दोस्तों मुझे इसमें कोई भी इशू यहाँ पे नजर नहीं आए। तो जी हाँ, पुराना स्टॉक है इसलिए ये सस्ते में मिला है, लेकिन पुराना स्टॉक है इसलिए ये पुराने सॉफ्टवेयर पे भी था। तो जब मैंने इसे ओपन किया तो एंड्रॉयड 10 का इसका वर्जन था एंड ये सितंबर के सिक्योरिटी पैच लेवल पे चल रहा था, सितंबर 2020। तो मैंने दोस्तों इसे अपडेट किया, पहले 300 MB की अपडेट आई, मैंने उसे अपडेट किया तो दिसंबर के सिक्योरिटी पैच पे चला गया। फिर दोबारा दोस्तों यहाँ पे 3.5 GB की अपडेट आई, जब मैंने उसे अपडेट किया तो ये एंड्रॉयड 11 पे आ गया और जून 2021 के सिक्योरिटी पैच लेवल पे आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों आइको UI हमने यहाँ पे पूरी तरह से अपडेट अभी कर लिया है, लेकिन अपडेट करने के बाद अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन फर्स्ट लुक में दोस्तों मुझे इसकी डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। जी हाँ, 60 हर्ट्ज़ का है, आई नो 60 हर्ट्ज़ से काफ़ी सारे लोग जो है परेशान हो जाएंगे, बट इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर। इस प्राइस रेंज में हमें 860 मिलता है पोको X3 प्रो में, एंड इन्होंने 865 दे दिया दोस्तों डिस्काउंट मार के, मतलब डिस्काउंट करने के बाद ये तो टोटली किलर वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे लग रहा है। साथ ही साथ इसमें आपको 55 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, 4400 mAh का बैटरी देखने को मिल रहा था, UFS 3.1 का स्टोरेज है यहाँ पे, LPDDR4X का रैम है दोस्तों जो कि आपको 8 GB का रैम मिलता है, और 256 GB का मैंने यहाँ पे स्टोरेज भी लगा लिया है जो कि कोई और यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसका वाइड एंगल लेंस भी 13 MP का है, जो टेलीफोटो लेंस में 2x मिलता है दोस्तों, 2x जूम। तो ये सब कुछ इसे वन ऑफ अ काइंड स्मार्टफोन बनाता है। हाईफाई ऑडियो वगैरह को भी ये सपोर्ट करता है। गेमिंग ट्रिगर्स भी मिल जाते हैं, डेडिकेटेड AI बटन भी मिल जाता है,
मेटल की फ्रेम मिल जाती है भाई, कितना सारी तारीफ करूँ, मतलब भाई कितना तारीफ करूँ मैं इसका। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज में ये सच में तारीफ के लायक है। जिनको मिल गया दोस्तों आइको के वेबसाइट पे वो काफ़ी ज़्यादा लकी थे, जिनको नहीं मिला दोस्तों आई थिंक कि कुछ दिनों के बाद मे बी फिर से सेल में आ सकती है, मे बी फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे पे सेल में आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो इस स्मार्टफोन को बाई करना एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होगी। एंड फाइनली बात कर लेते इसके कवर के बारे में। यार मुझे इसका कवर पसंद नहीं है, मतलब चलो यार बहुत ही हार्ड कवर है एंड ये बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट भी करता है। अगर हम लोग इसे लगा देंगे ना इस फ़ोन में तो सच में बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट वगैरह करता है, बट इसके खूबसूरती को पूरी तरह से ढक लेता है। जो पीछे का कवर है दोस्तों वो थोड़ा सा स्क्रैच्ड फील होता है, फ्रॉस्टेड है दोस्तों, तो अजीब तरह का लगता है। तो आई थिंक इसके लिए हमें कोई स्पेशल कंपनी की ज़रूरत है जो हमें अच्छा कवर प्रोवाइड करे। तो देखते हैं कि कौन है जो आइको 3 के लिए ज़बरदस्त कवर लेकर के आता है। लेकिन तब तक के लिए दोस्तों आज का हमारे ये आइको 3 का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूँगा एंड कुछ दिनों के बाद आइको 3 का भी रिव्यू आ ही जाएगा। शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद।